भारत का एक बहादुर सैनिक जिसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने द ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। कौन था वो द ब्लैक टाइगर जिसने पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया था, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं विदेशी अड्डा। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के गंगानगर में जन्मे एक छोटे से बालक की, जिसे बचपन में ही थिएटर करने का बड़ा शौक था। एक बार जब वह थिएटर कर रहा था तभी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट की नज़र उस पर पड़ी। उसको उसमें एक जासूस दिखा जिसे उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में काम करने का ऑफर दिया। उसने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया और फिर उसे दिल्ली लाया गया। दिल्ली में उसकी 2 साल तक ट्रेनिंग कराई गई जिसमें पाकिस्तान, इस्लाम, कुरान और वहाँ की वेशभूषा सब सिखाई गई। क्योंकि वह व्यक्ति राजस्थान के गंगानगर से था इसलिए उसे पंजाबी बोलना बहुत अच्छे से आता था, जिससे उसे पाकिस्तान में रहने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। क्योंकि पाकिस्तान से आधे से अधिक जनसंख्या पंजाबी बोलती है इसलिए वह पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त। इतना ही नहीं, वह पाकिस्तान की आर्मी को ज्वाइन किया और प्रमोशन लेते लेते कर्नल के पद तक पहुंच गया। फिर उन्होंने वहां के आर्मी ऑफिसर की बेटी अमीना से शादी की। इस बीच पाकिस्तान की सभी खुफिया जानकारी भारत को देता गया। फिर साल आया 1983 जब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। सर 1983 में रॉ ने उनसे मिलने एक एजेंट भेजा जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथ लग गया और उसे मारकर मानसिक यातनाएं देकर उससे पूछा गया। उसने जो बताया तो पाकिस्तान हिल गया। उसने बताया कि रॉ का एक सीक्रेट एजेंट मेजर के पद पर बैठा है जो भारत को पूरी खुफिया जानकारी दे रहा है। फिर द ब्लैक टाइगर ने भागने की कोशिश की पर रॉ इसमें उसकी कोई मदद ना कर सका और 1985 में उसे उम्र कैद की सजा मिली। सन 2001 में उसकी मृत्यु हो गई पर उसे मानसिक यातनाएं और शारीरिक कष्ट देने के बावजूद उसने मुंह तक नहीं खोला। यस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक, जिसे पाकिस्तान में रहने के लिए अपना नाम नबी अहमद साकिर रखा गया था। भारत के एक ऐसे रियल हीरो पर एक फिल्म भी बनी है द ब्लैक टाइगर के नाम से। भारत के ऐसे महान हीरो के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद।